हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी लगती है। जिसको पसंद है उसको बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें इसलिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 200 ग्राम के लगभग मशरूम लिया है। इसे मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है। गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालें और खौलते पानी में इसको डाल के बहुत अच्छे से साफ़ करें। इसको साफ़ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, देख सकते हैं आप एकदम साफ़ है। तो इसको गर्म पानी में नमक डाल के ज़रूर साफ़ करें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। तो मैंने यहाँ थोड़े से मसाले लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसको मैंने फाइन रफली चॉप कर लिया है। अदरक और हरी मिर्च है एक, और थोड़ी सी हरी धनिया है। यहाँ थोड़े से मसाले हैं खड़े मेरे पास, एक तेज़पत्ता, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो लौंग, चार पाँच से छः काली मिर्च के दाने, बहुत थोड़ा सा ज़ीरा आधा चम्मच से भी कम, और थोड़ी सी जावित्री है। ये खड़े मसाले हैं, इसको हम पेस्ट के साथ बनाएंगे। और यहाँ थोड़ी सी चॉप हरी धनिया की है, हरी धनिया की पत्ती। और यहाँ मैंने लिया है एक चम्मच ताजे दूध की मलाई है ये, आप चाहें तो क्रीम डालें या एक चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा बटर है, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच, बहुत कम तेल और मसाले यूज़ करके हम बना रहे हैं। यहाँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर है। थोड़ी सी कसूरी मेथी है और तड़के के लिए इतने मसाले मेरे पास। उसके बाद थोड़े से तड़के के लिए एक तेज़पत्ता, थोड़ा आधा चम्मच जीरा और चार पाँच करी लीव्स हैं। तो ये सारे मटेरियल तैयार हो चुके हैं, सारी सामग्री इकट्ठा हो चुकी है। तो हम इसको, यहाँ मैंने काजू मैं भूल गई थी, तो यहाँ मैंने चार पांच पीस काजू बाद में रखे हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे और बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और सारे गर्म मसाले जो मैंने निकाल के रखे थे, एक तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च और काजू, इसको डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इन सब का हमें फाइन एक पेस्ट बनाना है। अदरक, हरी मिर्च डालेंगे और टमाटर को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, जैसे ये गलता रहे, अच्छे से गल जाए, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप टमाटर के साथ प्याज लहसुन को भी गला के उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए, जब तक टमाटर गल रहे हैं तब तक हम चॉप कर लेते हैं मशरूम को। मैंने चार पीस कर दिए हैं, आप अपने जो आपको पसंद हो आप उस स्टाइल से काट सकते हैं। यहाँ देखिए मशरूम कट के भी तैयार हैं। तो टमाटरों को देख लेते हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा करेंगे ठंडा और इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। टमाटर ठंडे हो चुके हैं, इसको हम मिक्सर जार में निकाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका पेस्ट बनाना है हमें। सारे मसाले पिस चुके हैं, बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं और सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे और इसमें एक चम्मच, डेढ़ दो चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ सरसों ऑयल डाला, आप जो भी किचन में यूज़ करते हैं वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। आधी चम्मच जीरा और एक तेज़पत्ता डाल लेंगे, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, फिर हींग ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे। करी लीव्स हेल्दी होती है बहुत, आप अपने रोज़ की डाइट में खाने में यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे आधा आधा चम्मच, और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे पेस्ट जो हमने अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से मसाले का बनाया है। आप इसमें प्याज लहसुन खाते हैं तो इसमें उसका भी पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है, ये भी बहुत अच्छी बनती है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से टमाटर को पका लेंगे, भून लेंगे। देखिए भून चुके हैं ये, कढ़ाई छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम, जो मैंने एक चम्मच क्रीम ली हुई थी, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। और इसमें आप क्रीम की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, या आप जो बाज़ार में क्रीम आती है उसको भी ऐड कर सकते हैं, या डेली आपके घर में दूध आता है उसकी एक चम्मच मलाई में। मैंने थोड़ा सा बटर इसमें ऐड किया है। और उसके बाद मिक्सिंग का जो जार था उसको धुल के सारा पानी निकाल लें अच्छे से, और उसको ऐड करके मसालों को बहुत अच्छे से पकाना है। मसाले अच्छे पकेंगे तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी और टेस्ट उसमें अच्छा आएगा। तो यहाँ अब हम ऐड कर देंगे गरम मसाला, जो हमने आधा एक चम्मच गरम मसाला लिया हुआ था उसको भी ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। वैसे पहले मैंने टमाटरों को गलाते समय भी सॉल्ट डाला था, तो उसको ध्यान में रखें आप कि आपने पहले नमक का यूज़ किया है। उसके बाद थोड़ा सा नमक फिर से ऐड करेंगे और उसके बाद मशरूम को भी ऐड करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चलाते हुए इसको भी पका लेंगे ऐसे साथ में। उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं ग्रेवी की, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे मशरूम, पनीर, इन सब की ग्रेवी थोड़ी थिक ही रहती है, तो इसको पानी को आप अपनी को मशरूम की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करें। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़ी सी, लगभग 2 लोगों की सब्ज़ी बन रही है और 200 ग्राम मशरूम की आपके पास ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से मसाले भी बढ़ाएं, पानी बढ़ाएं। तो देखिए मशरूम की सब्ज़ी मैंने 5 मिनट के लिए ढक दी थी और अच्छे से पक चुकी है। इसमें ऐड करेंगे धनिया और कसूरी मेथी जो मैंने निकाल के रखी थी, उसको ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी और यमी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसको एक पॉट में निकाल लेते हैं। ऐसे आप एक बार सब्ज़ी बना के देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है, और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी और फाइनली अच्छी ही बनेगी। तो देखिए सब्ज़ी की थिकनेस आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा गार्निशिंग कर देंगे, हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा मैंने बटर बचा के रखा था उसको इस पे रख देंगे। देखिए ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी।